हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नालिका ने कहा कि पूरे मंडल में नहीं है एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज। लोग अगर करें लॉकडाउन का पालन तो कमिश्नरी में नहीं होगा कोई कोरोना संक्रमित। दिल्ली में चौरी चौरा के युवक की चिकन पॉक्स में हुई मौत पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर परिजनों से मिले डीएम और एसएसपी, दिया 2 लाख की आर्थिक सहायता राशि, कहा मृतक के परिजनों को शासन की अन्य योजनाओं का भी दिया जाएगा लाभ। मंडलायुक्त ने किया प्रेक्षागृह व चिड़ियाघर का स्थलीय निरीक्षण, कार्यों की प्रगति पर जताया संतोष, कहा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए शुरू होगा कार्य। प्रदेश के खादी ग्राम उद्योग मंत्री व प्रमुख सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के औद्योगिक गतिविधियों की ली जानकारी, दिए लॉकडाउन के बाद उद्योगों को तेजी लाने के निर्देश। जगहा थाना क्षेत्र में चाकू से गोद कर युवक की हत्या से मची सनसनी, एसपी नॉर्थ ने कहा सर्विलांस की मदद से सीडीआर के जरिए पुलिस कर रही है मामले की जांच। गोरखपुर न्यूज से विशेष बात करते हुए शहर काजी मुफ्ती वलीउल्लाह ने मुस्लिम समाज से की अपील, कहा घरों में ही अता करें नमाज, सोशल डिस्टेंसिंग का रखें ध्यान, जिससे पाया जा सके कोरोना महामारी से निजात। गोरखपुर समेत 22 जिलों की गुरुवार को नहीं होगी सैंपलिंग, 2 दिनों तक नहीं होगी ग्रीन जोन में शामिल जिलों की जांच। गोरखपुर, कुशीनगर और देवरिया है ग्रीन जोन में शामिल, शासन का निर्देश, गुरुवार तक नहीं लिया जाएगा सैंपल। बरसात ने महानगर को जल भराव से निजात दिलाने के लिए नगर निगम ने शुरू किया नाला सफाई का कार्य, नगर आयुक्त ने कहा 30 मई तक हो जाएगी सभी नाला नालियों की सफाई, लगाए गए हैं 80 कर्मचारी। खाद्य सुरक्षा विभाग ने सहजनवा में 9 मिठाई की दुकानों पर मारा छापा, लॉकडाउन के पूर्व बने 1.5 क्विंटल मिठाई कराया नष्ट, किया सील, कहा अनुपयुक्त हो चुकी मिठाइयां ना बेचे कोई दुकानदार, शिकायत पर होगी कड़ी कार्रवाई। पशुओं के चारा के मूल्य निर्धारण को लेकर एडीएम सिटी की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक, 3 मई तक पशु चारा के मूल्यों को किया गया फिक्स। सरकारी कार्यालयों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हो रहा है कार्य, नगर आयुक्त एवं महापौर ने कहा शिफ्टवार हो रही ड्यूटी। लॉकडाउन में गरीब तबके के लोगों तक खाद्य सामग्री पहुंचाने के लिए एसपी साउथ द्वारा किया जा रहा है निरंतर प्रयास, लॉकडाउन का पालन करने की कर रहे हैं लोगों से अपील। महिला थाना प्रभारी अर्चना सिंह द्वारा कोरोना वायरस के प्रति जागरूक करते हुए रिक्शा चालकों को वितरित किया गमछा एवं मास्क। रंगोली के माध्यम से संस्कार भारती ने मनाया भू अलंकरण दिवस, कोरोना वायरस के प्रति व्यक्त की गई संवेदना। रिजर्व पुलिस लाइन में पुलिस व उनके परिजनों के लिए बिग बाजार की तरफ से लगाया गया आवश्यक वस्तुओं का स्टॉल, सस्ते दर में पुलिसकर्मी कर रहे हैं खरीदारी। गोरखपुर फिश कमेटी के सचिव आसिफ अहमद ने सौंपा एडीएम सिटी को राहत सामग्री, कम्युनिटी किचन के माध्यम से राहत सामग्री पहुंचाई जाएगी लोगों तक। बुधवार को महवा सब्जी मंडी में हुई नई व्यवस्था लागू, सोशल डिस्टेंस का पालन करवाने के लिए बनाए गए मंडी मित्र। और लॉकडाउन में छूट मिलने के भरम से शहरों में लोगों की आवाजाही पर एसपी सिटी ने कहा पुलिस लोगों को कर रही जागरूक, बेवजह सड़कों पर घूमने निकले लोगों को 1-1 मीटर के घेरे में बैठाया गया।